करदा तुसी भी दर्शन करो सत्संग जी इस रूप का बदन 60 किलोग्राम हैगा वा ते तुसी आप देख लो हाथ लिखती स्वरूप इस तिकली शाही है ना शाही वो भी शाही दे नाल जो इन्हें सोना पाया गया कि अखर हर एक अखर चमके तुसी आप देख लो हुण वाहिगुरु इस स्वरूप दे 1600 अंग ने ते भाई साहब तुहानू हुण दिखा ले के हैगे आ तुसी भी दर्शन करो सत्संग जी लाइव इस वेले वेस्ट पार्क समर समागम दे विच आ देख लो सत्संग जी मैं इदा करदा कि मैं इत्थे नाल नाल भाई मनवीर सिंह जी इत्थे दे मुख सेवादार इत्थे सत्कार कमेटी यूके वाले सत्कार कमेटी यूके वाले भाई मनवीर सिंह जिन्होंने मान जी बार कृपा वा कि आ स्वरूप तुसीं देख रहे हां तुसीं दर्शन करो सत्संग जी असीं एक ओंकार तो शुरू कीता हैगा तुसीं आ लाइव दर्शन करदे रहो सारे शेयर करो कि सारे दर्शन करन 300 साल पुरातन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का स्वरूप सारे शेयर करो जी आ भाई मनवीर सिंह तुसीं थोड़ा इतिहास दसो संगतां नूं जिद्दां संगतां दर्शन कर रहीआं हैगीआं तुसीं संगतां नूं दस्सी जाओ कि हाँ जी महाराज जी धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन स्वरूप तकरीबन 300 साल तो वध पुरातन आ ते इन्हां दे तकरीबन सतगुर साहब जी दे स्वरूप दे भार 60 किलो दे करीब आ ते इन्हां दे जिहड़े भोज पत्तर जिन्हां नूं कहिंदे सी ओह अंग आ सतगुर साहब जी नूं लगे ते जिहड़ी शाही विच भी दस्या गया कि उन्हां दे विच भी सोना पाया गया ता ही ये अखर इदा बिलकुल सतगुर साहब जी की बाणी आप जी दर्शन कर रहे हैं कि बिलकुल अखर कला कला दर्शन आप जी कर सकते हैं ते 18 है 10-20 तक सतगुर साहब जी की संपूर्ण बाणी है ते जिमें अपने कईयां दे मनां दे विच किसी तरह का भी कोई शंका हुंदा वह जरूर कारण सतगुर साहब जी के पावन स्वरूपां दे ते ये अपने कोल एक बहुत वधिया मौका आ कि गुरु साहब जी चल करके इत्थे पार्क दे विच पंडालां विच सतगुर साहब जी सभायमान होए ते आप जी खुले दर्शन दीदारे करो जी धन्यवाद भाई मनवीर सिंह तुसीं दसो देखो महाराज सारे दर्शन कर रहे हैगे आ ते ये भी एक खास गल मिलन च आ रही हैगी आ जिथे हथ लिखती स्वरूप है उहदे नाल नाल लड़ीवार भी स्वरूप आ उह भी तुसीं चानणा पाओ संगतां नूं पहला तू ही जेड़े हुणी मशीनां तां बणियां छापण वालियां प्रिंटिंग प्रैसां पहला सतगुर साहब जी दे पावन स्वरूप इवें लड़ीवार हथ लिखत हुंदे सी तां ही सतगुर साहब जी ने दमदमी टकसाल चलाई आ कि सतगुर साहब जी की बाणी की संथिया करके गुरु साहब जी शरदा भावना नाल महाराज साहब जी का आदब सत्कार नूं मुख रखदे होया गुरबाणी की संथिया ली जाती है गुरु साहब जी की सेवा संभाल किवें करनी आ वह भी उत्थे दस्या जांदा ते गुरु साहब जी की बाणी नूं शुद्ध किवें पढ़िया जांदा असरां बच्च नूं करदे सन तक ते वह जिहड़ी शुद्ध संथिया आ उत्थों मिलदी आ तां ही वह पहलां इदां ही सीगे जिहड़े पाठी भी हुंदे सी उहनां दी बाणी इन्नी ज़्यादा कंठ तां हुंदी सी क्योंकि उहनां ने संथिया लई हुंदी सी अज साडे मनां विच इही पै जांदी कि जे मैनूं पंजाबी आउंदी आ ते छे हो सकदा मैं सतगुर साहब जी दे पाठ भी कर सकदा पर पंजाबी ते गुरमुखी विच बहुत ज़्यादा फर्क आ सो आप जी संगत नूं बेनती है कि आप इस चैनल दे जरिए जरूर सतगुर साहब जी दे दर्शन करो ते इत्थे आ के भी जिहड़े लोकल संगत आ सराणा विच दे सिंह सराणा आ थल्ले ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਸ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ आप जी दर्शन कर रहे हैं गुरु साहब जी दे अखीरले अंग श्री रागमाला दे आप जी दर्शन कर रहे हैं ते ए जिदा पहला दस्या गया कि एक ओंकार तो लै करके
1810-20 जो सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने श्री दमदमा साहब महाराज जी ने एक ओंकार तो लै करके कंठों बाणी उचारी है। हुण सिंह नाल नाल पढ़ के आप जी सुनाऊगा बाणी। जरूर सर। ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंज तरंगन संग अलप है अठ नंदन प्रथम राग भैरव वै कर ही पंज साग संग उचर ही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र द्वितीया मालक सक।